हम अध्ययन कर रहे हैं प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन, उसमें हमने अध्ययन किया प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन क्या है, धर्म सुधार आंदोलन और कैथोलिक धर्म से ये किस प्रकार से भिन्न है। बच्चों आपको ये याद रखना है, प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व जिन्होंने किया वो पोप और धर्माधिकारी थे। चर्च के भीतरी संगठन में सुधार के लिए जो प्रयास पोप के द्वारा धर्माधिकारियों के द्वारा किए गए वो प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत आते हैं, और इस आंदोलन को सफल बनाने में जिनका सहयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा उसमें पोप पाल थर्ड और पोप पाल चतुर्थ प्रमुख हैं। ट्रेंट की काउंसिल के द्वारा कैथोलिक धर्म में सुधार के प्रयास किए गए, इग्नेशियस लोयला जो जेसुइट संघ के माध्यम से इस आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, उसके साथ ही प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रगति को रोकने के लिए इंक्विजिशन का धर्म न्यायालय बनाया गया जिसमें नास्तिकों का पता लगाकर उन्हें कठोरता से दंडित किया गया। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि शासकों को पोप के साथ धर्म संधियां करनी पड़ी और उन्होंने कैथोलिक धर्म को अपने यहाँ संरक्षण प्रदान किया। कैथोलिक धर्म सफलता के उच्च आयाम की ओर बढ़ता गया। अब आज हम अध्ययन करेंगे कि प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम। प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम। कैथोलिक धर्म में बुराइयों का निवारण होना, धर्म का विभाजन, कैथोलिक धर्म में मतभेद उत्पन्न होना, अनेक शासकों का पोप का सहयोगी न रहना, यूरोपीय देशों का दो गुटों में विभाजित होना, राष्ट्रवाद का प्रबल होना, निरंकुश शासन की स्थापना, मध्यम वर्ग का उदय होना, विशेष वर्ग का प्रबल होना, मध्यम और कुलीन वर्ग में संघर्ष, किसानों की अवस्था का दयनीय होना, ये विभिन्न कारण है बच्चों जो परिणाम है जो प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप यूरोप में दृष्टिगोचर हुए। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कैथोलिक धर्म में बुराइयों का निवारण होना। बच्चों हम जानते हैं कि ये जो धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया था इसका मुख्य परिणाम यही था कि कैथोलिक धर्म में सुधार करना था। तो धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव में आने के उपरांत भी यूरोप में बहुत से ऐसे ईसाई थे जो धर्म में व्याप्त बुराइयों का निवारण चाहते थे, परंतु वे चर्च के मौलिक विचारों का परित्याग करना भी नहीं चाहते थे। वो कैथोलिक चर्च के प्रति आस्थावान बने रहना चाहते थे, इसलिए इस विचारधारा के प्रतिनिधियों ने कैथोलिक चर्च व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न न करते हुए धर्म को निंदनीय बुराइयों से दूर रखने का प्रयास किया। इस कारण उन्होंने पादरियों के पदों की बिक्री के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि धर्माधिकारियों को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। इस विचारधारा के व्यक्तियों ने पोप जो पाप मोचन पत्र थे उनकी बिक्री का भी विरोध किया। परिणाम यह निकला कि बुराइयां दूर हुई। ट्रेंट की काउंसिल का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर बच्चों हम देखेंगे धर्म का विभाजन। हमने देखा धर्म सुधार आंदोलन से पूर्व केवल यूरोप में कौन सा धर्म था, कैथोलिक धर्म। तो कैथोलिक धर्म केवल दो शाखाओं में विभक्त था, कट्टर कैथोलिक धर्म जो पूर्व में प्रचलित था और पश्चिम का कैथोलिक धर्म। 16वीं शताब्दी में जब धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ तो पश्चिम कैथोलिक धर्म जो कट्टर नहीं था वो धर्म दो भागों में विभक्त हो गया, कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म। मार्टिन लूथर ने अपने धार्मिक विचारों के प्रसार से कैथोलिक धर्म के विनाश पर प्रोटेस्टेंट धर्म को चलाया, पर ये नवीन धर्म भी कई शाखाओं में विभक्त हो गया।
जैसे हमने देखा कि प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन ने अपनी धार्मिक बुराइयों को दूर कर कैथोलिक धर्म के अस्तित्व को तो सुरक्षित किया ही, साथ ही इसका विभाजन भी कर दिया। पूर्व का कट्टर कैथोलिक धर्म इससे अप्रभावित रहा और पश्चिम का कैथोलिक धर्म दो शाखाओं में विभक्त हो गया। अब पश्चिम का कट्टर कैथोलिक धर्म और कैथोलिक धर्म, इग्नेशियस लोयला बच्चों हमने पढ़ा, जिसने जैसुइट संघ की स्थापना की थी, वो कट्टर कैथोलिक धर्म के रूप में उभर कर सामने आए और वो इसे कट्टर ही बनाए रखना चाहते थे। जो दूसरे लोग इग्नेशियस लोयला के समर्थक नहीं थे, परंतु वे कैथोलिक धर्म में विश्वास रखते थे, तो उन्होंने जो है कट्टर कैथोलिक को छोड़ के केवल पश्चिम के कैथोलिक धर्म में विश्वास रखा। और इसमें जो है कट्टर कैथोलिक और जो है कैथोलिक धर्म, इनमें क्या हुआ, जो बाइबिल थी उसका जो पुराना वर्जन था, ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से कट्टर कैथोलिक लोग उसको मानने लगे, और नए जो थे पश्चिम के कैथोलिक लोग वो नवीन टेस्टामेंट के नाम से पुस्तक में विश्वास रखने लगे। पाप मोचन पत्रों की बिक्री का विरोध करने लगे, गिरजाघरों में जाकर पूजा करने का समर्थन करते रहे। इसलिए कई विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन कुछ समय पूर्व हो जाता तो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन प्रथम तो होता ही नहीं, और यदि होता तो इतना महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं होता। तो बच्चों हमने देखा कि धर्म का विभाजन प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण परिणाम जो हमारे सामने परिलक्षित हुआ वो था कैथोलिक धर्म में मतभेद उत्पन्न होना। हमने देखा इग्नेशियस लोयला ने अपने सैनिक प्रवृत्ति से कैथोलिक धर्माधिकारियों में कठोर अनुशासन ला दिया। जैसुइट अर्थात सैनिक उसके कड़े अनुशासन में कैथोलिक धर्म का प्रचार और उसकी रक्षा करने लगे। उन्होंने धार्मिक एकता भी उत्पन्न करने का प्रयास किया। स्पेन और फ्रांस में उसके विचारों का सम्मान हुआ, परंतु जो पोप थे, पोप अर्बन अष्टम, इस कठोर अनुशासन का विरोध करने लगे। फ्रांस के शासक ने भी इसको राजकीय संरक्षण से वंचित कर दिया। ये मतभेद 17वीं शताब्दी में तो और भी प्रबल हो गया, परंतु अब फ्रांस का सम्राट चर्च व्यवस्था का विरोध करने लगा। इसका मूल कारण इग्नेशियस लोयला द्वारा लागू किया गया कठोर अनुशासन था। उधर जब जैसुइट लोगों को धर्म सुधार में सफलता मिलने लगी तो वो दिन प्रतिदिन अनुशासन को और कठोर बनाने लगे, और उन्होंने अपने जैसुइट संस्था को एक प्रकार से सैनिक संगठन ही बना दिया। वे दिन प्रतिदिन रूढ़िवादी होने लगे। इसके परिणाम स्वरूप कैथोलिक धर्म में अनेक मतभेद उत्पन्न हो गए। तो कैथोलिक धर्म में मतभेद उत्पन्न होने का प्रमुख कारण इग्नेशियस लोयला का जैसुइट संघ था। वो इसे अनुशासनबद्ध तरीके से सैनिक दृष्टि से संगठित करके कैथोलिक धर्म को कठोर धर्म के रूप में देखना चाहता था, यानी कि कट्टर बनाना चाहता था। अब बच्चों हम देखेंगे अनेक शासकों का पोप का सहयोगी न रहना। जब यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था तो यूरोप के लगभग सभी शासकों ने इस आंदोलन का प्रतिरोध करने हेतु पोप का सहयोग किया था। इस आंदोलन ने पोप की सर्वोच्चता को तो चुनौती दी ही थी, पर साथ ही शासकों की निरंकुश शासन को भी संकट उत्पन्न कर दिया था। शासक धर्म की ओट में भी अपनी जनता का शोषण करते थे, उन पर अपना निरंकुश शासक
शासन थोपते थे। अतः धर्म सुधार आंदोलन का मुकाबला तो पोप और यूरोपीय शासकों ने संयुक्त रूप से किया, परंतु प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के प्रभावशाली होते ही कई देशों के शासक पोप विरोधी हो गए। फ्रांस के शासक का उल्लेख हमने करा कि उसने जो है जैसुइट संघ के कठोर अनुशासन को नहीं माना। दूसरा उदाहरण इंग्लैंड के शासक हेनरी अष्टम, प्रथम पोप का परम सहयोगी रहा, बाद में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रगति को अवरुद्ध करने, वो कैथोलिक धर्म के अस्तित्व की रक्षा के लिए हर प्रकार के प्रयास किए, और इसके बदले में पोप ने उसे धर्म का रक्षक घोषित किया। परंतु प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आरंभ होने तक वो पोप का विरोधी बन चुका था। उसकी पुत्री एलिजाबेथ प्रथम, जो प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन की प्रमुख प्रतिरोधी बन गई थी, वो आजन्म में जैसुइट के विरुद्ध संघर्ष करती रही। अपने देश में उसके प्रभाव को क्षीण करने के लिए उसने एक नए धर्म को राज्य धर्म को कर दिया, एग्लिकन धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया। तो बच्चों आपके एक प्रश्न आ सकता है, एग्लिकन चर्च या धर्म को राज्य धर्म किस देश के द्वारा घोषित किया गया? तो इंग्लैंड की महारानी की पुत्री एलिजाबेथ प्रथम द्वारा। जर्मनी प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रमुख केंद्र था, इस कारण यहाँ के शासक भी पोप विरोधी बन गए। इस प्रकार डेनमार्क और स्वीडन के शासक पोप विरोधी हो गए, और उन्होंने तलवार के बल पर अपने यहाँ कैथोलिक धर्म को समाप्त कर दिया। तो बच्चों हमने किस किन किन शासकों का उल्लेख किया और किन शासकों को पढ़ा? फर्स्ट फ्रांस, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा डेनमार्क, चौथा स्वीडन। ये शासक पोप के सहयोगी नहीं रहे इस आंदोलन के दौरान।